Hey guys, if you like our video, then hit the like buttons, share this with your friends in WhatsApp, FB, Insta, and subscribe our channel and hit bell icon to never miss another update. Thank you. So now guys, hope you are enjoy the all our videos, right? There is a new one topic of our grammatical, which are the included in the basic grammar. Right? So here we are going with some new topic, and name is the auxiliary verb. Auxiliary verb means helping verbs are used before the infinitives to add it and different meanings, right? For examples, you are usually verbs to say that someone is able to do something, that someone is allowed to do something, or someone has to do something. Okay. तो ऑक्सिलरीज मींस गाइस ये होता है कि जैसे कि वर्ब के साथ हम कुछ यूज करते हैं बिफोर इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स का मतलब हमने समझा था हमारे पहले ही एक क्लास में, और उसमें हमने बताया था कि कोई भी वर्ड्स के बाद, जैसे कि वर्ब होता है उसके बाद टू प्लस रूट फॉर्म छोड़ते हैं हम, जैसे कि टू प्लस वी वन मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं गाइज, इन्फिनिटिव, राइट? तो बिफोर द इन्फिनिटिव दे आर द हेल्पिंग वर्ब्स. जो इन्फिनिटिव के पहले होता है जितने भी सारे वर्ब, उसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि वो क्या डेडिकेटेड करते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे समवन एबल टू डू समथिंग, जैसे कि कोई एबल है कुछ करने के लिए, अलाउ टू डू समथिंग, जैसे कि अलाउ करना है कुछ करने के लिए, हैज टू डू समथिंग और कुछ करना है. लाइक हियर आर द सम ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि कैन एबिलिटी बताता है, I can do that. मैं ये कर सकता हूँ. Could. It is the past form of the can. मैं कर सकता था. Would. Will. Will. You know that, guys. Will is the to be form of the future tense. We know that. And would is the form of the past tense, which is the will. Will का past form होता है would, guys. Right? Same it is shall. Shall जब हमने future tense में पढ़ा था, guys. उसका past form क्या होता है? Should होता है. राइट यहाँ पर वुड और शुड का मतलब ये होता है गाइस, जैसे कि हमें करना चाहिए, हमारी कोई ड्यूटी होती है. सजेशन के लिए भी हमें शुड और वुड का यूज करते हैं, राइट गाइस? जैसे कि अलाउ, सजेशन, समथिंग. और ओड टू का मतलब, ओके, दिस इज अ न्यू वर्ड्स फॉर यू आई थिंक सम ऑफ यू गाइस. ओड टू विच इज द डेडिकेटेड सम ड्यूटी, विच इज द ड्यूटी, जैसे कि हमें हमारी कुछ नैतिक फर्ज होती है, राइट? जैसे कि हमें जब कोई बड़े लोग आते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली में होते हैं, तो उसके लिए हम पोलाइटली कुछ वर्क करते हैं. जैसे कि हम बैठे होते हैं तो उठ के उन लोगों को जगह देते हैं, तो दैट इज अवर नैतिक फर्ज, उसे हम नैतिक फर्ज कहते हैं. तो बहुत सारी नैतिक फर्ज है हमारी, वो उसको हम ऑट टू में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमें ये करना चाहिए, राइट? विल, विल का अभी बात किया, शेल का भी किया. मैं, मैं पोजीशन पॉसिबिलिटी दर्शाता है, जैसे कि मैं कमिंग सर. आंसर इज डिपेंड ऑन गाइस, उसके पर डिपेंड है कि जिसके पास से आप परमिशन ले रहे हो. सो परमिशन लेने के लिए आप जनरली क्या यूज करोगे गाइस? मे, राइट? ओके, पास्ट फॉर्म ऑफ द मे इज ऑल्सो माइट. माइट मीन्स पास्ट फॉर्म ही है मे का, बट comparatively to my might हमें कम पॉसिबिलिटी देखाता है. जैसे कि आज बारिश आना, might be is raining, right? Might be it raining. ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, बट उसकी पॉसिबिलिटी जब कम होती है तब हम might का यूज करते हैं गाइस. ओके, नाउ इट मस्ट. ओके, लास्ट वन इज अ मस्ट. मस्ट का मतलब क्या होता है, क्या कंपल्सरी होता है, जैसे कि ऑर्डर देते हैं, जब पापा हमको कुछ कहते हैं तो वो मस्ट में ही आता है, कि जैसे कि लास्ट में ही पापा बोलते हैं, मम्मी पूरे दिन चिल्लाती रहती है कि अपना होमवर्क करो, अपना होमवर्क करो. बट क्या होता है कि हम लोगों को भी आदत होती है ना, यहाँ पर घूमना, वहां पर घूमना, होमवर्क तो हो जाएगा रात को सोने से पहले. कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, सुबह स्कूल के, स्कूल पर जाने के पहले भी होमवर्क करते हैं. बट ऐसा तब तक हो सकता है जब तक हमें पापा नहीं बोल देते. अगर पापा बोल देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें होमवर्क करना पड़ेगा. That is means that
वो मस्ट में आता है। मस्ट में यानी कि वो कंपलसरी ऑर्डर होता है, उसको हमें कंपलसरी फॉलो करना है। जैसे कि आपको जो होमवर्क दिया गया होता है स्कूल में से, वो आपको करना ही पड़ता है, तो वो मस्ट में आता है। दैट इज वन काइंड ऑफ द एग्जाम्पल। ये बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग विद द कैन एंड कुड, राइट राइट यूज द कैन एंड कुड टू से दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग। जैसे कि कैन एबिलिटी दर्शाता है, गाइस मैंने आपको पहले बताया, जैसे आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ, राइट, एबिलिटी टू डू समथिंग और एबल टू डू समथिंग। सो सी कैन ड्रॉ द रियली गुड पिक्चर। कैन ड्रॉ यानी कि वो ड्रॉ कर सकती है। कैन रन फास्टर देन मैट, सेकंड व्हिच इज, वो क्या है, रन फास्ट कर सकते हैं। कैन यू राइड अ बाइक, कैन यू हेल्प मी, आप मुझे हेल्प कर सकते हो। So, यहाँ पर जो कैन की इस्तेमाल की बात है वो एबिलिटी के मोड पे है, जैसे कि वो एबल होना। कुड की बात करें गाइज यहाँ पर, तो कुड इज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द कैन। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पास्ट फॉर्म है कैन का। व्हेन यू पुट नॉट आफ्टर द कैन एंड राइट एज कैन नॉट, जैसे कि नेगेटिव बनाना हो तो कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट फाइंड, फाइंड नहीं कर सकता हूँ। उसका शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म भी है, जैसे कि हमने बताया था और हमने सीखा था, कैन नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होगा कांट और कुड नॉट का होगा कुडंट, राइट गाइस। सो हियर इज सम एग्जांपल ऑफ द कांट एंड आल्सो कुडंट। आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वैसे ही बहुत सारे। नेक्स्ट इज, यू मे यूज द कैन एंड कुड टू से दैट समवन इज अलाउड टू डू समथिंग। ओके, जैसे कि हम आगे जो पढ़ेंगे ना, तब ऐसा ही सेम टू सेम मे का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा कि और मैंने बोला, जैसे कि अलो टू डू समथिंग, अलो यानी कि उसके पास से हमें परवानगी लेनी है, राइट, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ। सो ज्यादातर हम क्या होता है कि यहाँ पर कैन तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें परमिशन लेनी है, तो परमिशन हम उन लोगों के पास से लेंगे जिन लोगों को हम ऑलरेडी पहचानते हैं, जैसे कि मम्मी को, पापा को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, बहुत सारे जिसके साथ हम ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं, राइट। सो उसके पास से हमें परमिशन लेने के वक्त हम कैन का यूज कर सकते हैं, अलाउ टू डू समथिंग, राइट। मॉम सेइंग सेज यू कैन कम टू अवर हाउस फॉर द डिनर, राइट। और जैसे कि मॉम सेज यू, जैसे कि मॉम ने आपको बताया कि आप हमारे घर पे डिनर के लिए आ सकते हो, राइट। और जैसे कि बहुत सारा होमवर्क होना और होमवर्क हो जाने के बाद हमें क्या परवानगी लेनी पड़ती है कभी कभार परमिशन की, क्योंकि मार्क्स बहुत कम आते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है। और हम लोग क्या कर देगा इस उसी वक्त हम वर्क करने के लिए बैठेंगे जब हमारे मार्क्स कम आते हैं। ज्यादा तो आप लोग ऐसे नहीं है, बट एट दैट टाइम जैसे कि हमें मेरी मम्मी के पास, हमारी मम्मी के पास से ही जैसे कि हम परमिशन लेते, मम्मी कैन आई वॉच टीवी, मैं टीवी वॉच कर सकता हूँ, यानी कि आपके पास एबिलिटी है टीवी देखने के लिए। बट हियर वी आर द गोइंग द सम अनदर इंटेंस लाइक द आस्क टू द परमिशन अलाउ टू डू समथिंग, राइट गाइस। सो इस तरीके से आप यहाँ पर कैन का यूज कर सकते हो। सेम इट इज कुड, पास्ट में जब आप किसी की परवानगी यानी कि परमिशन लेने के लिए आपने कुछ ऐसा यूज किया होता है, तो आप कुड का यूज इस्तेमाल करोगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस आपको ऑलरेडी दिया गया हुआ, मॉम सेड I could have ice cream after my dinner, right? I could have, right guys? और same it is couldn't going. तो यहाँ पर दोनों का मतलब past के लिए हुआ होता है, और past में जैसे कि उसको permission लेनी है उस तरीके से, right? Next, okay, asking for the information or the help, help के लिए, for offering something, कुछ offer करने के लिए, suggesting something. और सजेशन के लिए भी किया जाता है, कैन यू टेल मी, आप मुझे बता सकते हो, इज दिस ट्रेन गोज टू द टॉपिका, लाइक दिस वे, कुड यू ओपन दैट विंडो प्लीज, आप हमें ये विंडोज ओपन करके दे सकते हो प्लीज, समथिंग लाइक दैट गाइज। आप उसको इंफॉर्मेशन के लिए, हेल्प के लिए और सजेशन के लिए भी आप कह सकते हो। वी कैन गो टू द लाइब्रेरी इंस्टेंट, इससे ज्यादा अच्छा तो है कि हमें लाइब्रेरी पे जाना चाहिए, तो इट इज अ सजेशन टू हियर। सो दिस आर द ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ द सेंटेंस गाइस, प्लीज रिफर द वंस वेरी वेल।
एंड नाउ वी आर गोइंग विद द न्यू वर्ड विल एंड वुड. विल एंड वुड व्हेन यू आस्किंग समवन टू डू समथिंग, जैसे कि आपको कुछ करना है, आप किसी के पास से कुछ पूछते हो, विल यू प्लीज सम मेकिंग दैट नॉइस, स्टॉप मेकिंग दैट नॉइस, क्या आप आवाज करना बंद करोगे. यहाँ पर एक ऑलरेडी परमिशन नहीं ले रहे वो, बट क्या है कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट में आपको कुछ पूछ रहे हैं. प्लीज विल यू क्लोज द डोर, राइट, क्या आप डोर क्लोज कर सकते हो, राइट. दिस वे यू आर द यूज दिस इज एंड यू कैन ऑल्सो द विल एंड वुड टू ऑफर समथिंग और द सजेस्ट समथिंग. जैसे ही आपने ऊपर देखा कि आप किसी को ऑफर भी कर सकते हो और सजेशन भी दे सकते हो. विल आई होल्ड दिस एंड ऑफ द रोप, क्या मैं ये रोप का एंड पकड़ सकता हूँ. वुड यू लाइक अनदर ड्रिंक, क्या आपको कोई अदर ड्रिंक्स पसंद है. सो यहाँ पर सजेशन और ऑफर करने के लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया विल नॉट का वॉन्ट होगा और वुड नॉट का वुडंट होगा. सेम इट इज गाइज, हियर इज सम एग्जांपल फॉर यू. ओके गाइज.